के समीप गोविंदपुरी भीमसेन रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के तहत नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसके चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं कुछ फेरों के दौरान रूट में बदलाव किया गया है। इंदौर से देवास होते हुए कामाख्या के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन 4 सप्ताह के लिए निरस्त रहेंगी। वहीं इंदौर पटना एक्सप्रेस का एक फेरा भी निरस्त रहेगा। इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस 19,305 19 दिसंबर से 9 जनवरी 2020 तक निरस्त रहेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 19,306 22 दिसंबर से 12 जनवरी तक निरस्त रहेगी। गौरतलब है कि यह ट्रेन हर गुरुवार को देवास से कामाख्या के लिए रवाना होती है, वहीं वापसी में मंगलवार को आती है। देखिए भारतीय रेलवे पे हम लोग यात्री सुरक्षा संरक्षा को देखते हुए अपने रेल ट्रैक की रखरखाव करते हैं, उसके लिए मेगा ब्लॉक लिए जाते हैं। तो उस इलाहाबाद मंडल के अंदर ये मेगा ब्लॉक लिया गया है, उसके तहत इंदौर से चलने वाली जो इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस है वो 19 दिसंबर से लेके जो 9 जनवरी तक ये निरस्त रहेगी। और इसकी जो दूसरी जो गाड़ी है 8 तारीख को चलने वाली गाड़ी को उसको इसके मार्ग में परिवर्तन किया गया है। और साथ में जो 15 तारीख को चलेगी जो गाड़ी उसकी उस गाड़ी को रेगुलेट किया गया है। तो कुल मिला के इस गाड़ी को रद्द किया गया है, उसको रेगुलेट किया गया है।